उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई ये खबर तमाम उन लोगों को प्रेरित करने के लिए काफी है जो ये सोचते हैं कि दिव्यांग हो जाना एक अभिशाप की तरह है। लेकिन ये खबर देखकर आप भी कह उठेंगे कि इंसान चाहे जिस भी हालात में हो वो अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करके फिर से अपने जीवन में उजाला ला सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है मुरादाबाद में, जहां दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिए एक पहल तमाम लोगों को प्रेरित करने वाली है कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी वो जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। हालांकि इन लोगों को राखी बनाता देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि भला राखी बनाने का काम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राखी बनाने में कई तरह के मोतियों को और अन्य सामग्रियों को इस्तेमाल करना होता है, जो कि इनके द्वारा ऐसी राखियां बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी इन दिव्यांगों की कुछ सीखने की चाह और लगन ने ये नामुमकिन भी मुमकिन करके दिखा दिया। तो वहीं इन दिव्यांगों के द्वारा राखियों को बनाने का प्रोसेस भी बिल्कुल अलग है। एक दिव्यांग बताते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान मोतियों और स्टोन्स के रंगों को अलग करना सिखाया गया है, जिससे वो राखियों को आसानी से बना पाते हैं। मैं 100% दृष्टिबाधित हूं। अच्छा, तो किस राखी में पहले ट्रेनिंग ली थी मैम से, फिर उसके बाद सीख के महसूस करके तो बना रहा हूँ हाथों से। अच्छा, तो कलर्स और कॉम्बिनेशन ये सब कैसे आप महसूस कर पाते हैं? छूके में तो कलर्स मैम बता देती हैं इनका कॉम्बिनेशन की इस डिजाइन की बननी है, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग पैकेट में कर लेते हैं, फिर हम बना लेते हैं। तो वहीं इनको ट्रेनिंग दे रही महिला ट्रेनर ने बताया कि दिव्यांगों और दृष्टिबाधित लोगों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है, जिससे इन लोगों को नकारात्मक माहौल से बचाया जा सके और साथ ही इन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाया जा सके, जिससे ये लोग अपने आप को किसी से भी कम ना समझे और बिना किसी डर के अलग अलग क्षेत्रों में अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। यहाँ बहुत से पेशेंट हमारे ऐसे आते हैं जो कि दृष्टिबाधित लोग हैं और उनकी हम किसी तरीके से हेल्प नहीं कर पाते। तो मेरे मन में ये विचार आता था कि ये बच्चे यहाँ से जाके अपने घर में ही अकेले बैठेंगे और नकारात्मक भावनाओं से भर जाएंगे। तो मैंने इस बात की पहल करी इन बच्चों को आत्मविश्वास से भरने के लिए, इनको काम सिखाना शुरू करा। तो जैसे जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, जैसे आजकल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इनको राखी बनाना सिखाई। तो मैं इनको एक नॉर्मल श्रेणी में लाने की लगातार प्रयास कर रही हूँ। बहरहाल दिव्यांगों के लिए की जा रही ये पहल उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है, साथ ही जीवन में आगे कुछ कर दिखाने के रास्ते भी खोलती नजर आ रही है। तो फिलहाल दिव्यांगों के लिए की जा रही इस अनोखी पहल की खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।